हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिलिंदा फ्रॉम माइंड हिप्नोटिज्म चैनल कनाडा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो आज की डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वो टॉपिक है हाउ वी कैन यूटिलाइज अवर टाइम मैक्सिमम। हमारे पास जो 24 आवर्स है, सभी के पास 24 आवर्स है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास भी वही 24 आवर्स है, और हम कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है उसके पास भी 24 आवर्स है। तो हम कैसे उन 24 आवर्स से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे उन 24 आवर्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक टेक्निक सीखा था। वो टेक्निक मुझे बहुत हेल्पफुल किया, उस टेक्निक ने मैंने जब उसको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई किया। टेक्निक ये है कि हमें अपने 24 आवर्स को मिनटों में डिवाइड कर देना है, घंटों में नहीं, मिनटों में डिवाइड कर देना है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने सोच लिया कि मैंने एक्सरसाइज करना, तो मैंने ये कहने की बजाय कि ओके मैं एक घंटा एक्सरसाइज करूंगी, मैंने अपने आपको कहा कि मैं हाफ एन आवर एक्सरसाइज करूंगी, एंड उसके बाद हाफ एन आवर 40 मिनट्स मुझे ये करना है, नेक्स्ट 20 मिनट्स मुझे दूसरा काम करना है। अब जब मैंने अपने आप को कहा कि मुझे हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना है, तो हाउ माई माइंड विल ऑर्गेनाइज दिस 30 मिनट्स, कि मुझे पता है कि सिर्फ 30 मिनट्स ही है मेरे पास, तो आई विल ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन माई टास्क इन दिस 30 मिनट्स रेदर देन वेस्टिंग माई टाइम हियर एंड देयर। सेकेंड, अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे लाइक 40 मिनट्स कुकिंग करनी है, जे 40 मिनट्स ही मेरे पास है, तो ऑफ कोर्स मैं अपने उस 40 मिनट्स को उसमें अच्छी तरह से यूज किया, सो डैट मैं 40 मिनट्स में अपना वो काम खत्म कर सकूं। पहले क्या होता था, हम शुरू कर देते टाइम और अपने आप को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते थे टाइम लिमिट्स की, कि हमने ये काम इतने टाइम में फिनिश करना है। अगर हमने कह दिया कि हमने ये लाइक काम 2 घंटे में फिनिश करना, तो हम सोचते 2 घंटे हमारे पास काफी टाइम है, तो हम उस टाइम में थोड़ा डिवर्ट हो जाते थे, कुछ इधर का काम कर लिया, कुछ छोटा मोटा किसी से चैट कर ली, ऐसे मैसेज देखने लगे अपने, वट एवर है। तो वो जो 2 घंटे में हमने काम करना था, असल में वो हमने 1 घंटे का ही काम किया और 1.5 घंटे का काम किया, हाफ एन आवर का जो काम हमें करना था हमने वेस्ट कर दिया। लेकिन जब हम अपने आप को ये बोलते हैं कि हमारे पास 20 ही मिनट्स है, हाफ एन आवर है, तो हम उसको मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिवली यूज करने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निक मैंने उन लोगों से सीखी जो बहुत ही बिजी है, जिनके पास हजारों लाखों क्लाइंट है, जिनके बिजनेस है, लेकिन हाउ दे मैनेज देयर टाइम। अगर वो अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं जो इतने बिजी हैं, तो हम अपने टाइम को मैनेज क्यों नहीं कर सकते। दिस टेक्निक रियली हेल्प मी। मैंने अपने टाइम को जब से ऐसे मिनटों में डिवाइड करना शुरू किया, तो मेरे पास टाइम की जो शॉर्टेज हमेशा लगती थी वो काफ़ी जो प्रॉब्लम है कम हो गया। मेरे पास जो मैं करना चाहती थी और चीज़ें, उसके लिए टाइम अब निकल जाता है। पहले क्या होता था, अगर मैंने शावर लिया तो देयर इज नो टाइम लिमिट, आराम से शावर लिया, हाफ एन आवर वट एवर। लेकिन अब अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आई हैव दिस 20 मिनट्स और वट एवर टाइम एंड आई हैव टू टेक शावर, आई हैव टू गेट रेडी, तो मैं उसी टाइम अब उसको ऐसे ही यूज करके उस टाइम में रेडी हो जाती हूँ। आपके पास कोई टेक्निक है टाइम को कंस्ट्रक्टिवली मैनेज करने के लिए, तो प्लीज आप शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, थम्स अप बटन पे लाइक का बटन प्रेस करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।